जियोनी ने अपने नए LFE E8 स्मार्टफोन को 34,999 रुपए में लॉन्च किया है। जियोनी LFE E8 की सबसे बड़ी खासियत इसका 24 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो सॉफ्टवेयर की मदद से 120 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकता है। जियोनी के इस डिवाइस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लूज लेस जूम, 4K रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्डिंग, अलग से कैमरा बटन, ड्यूअल टोन LED फ्लैश और 0.08 सेकंड में ऑटो फोकस जैसे फीचर हैं। स्मार्टफोन के बैक पैनल पर बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट रीडर भी है। स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से लैस है। LFE E8 स्मार्टफोन अमीगो 3.1 यूजर इंटरफेस पर चलता है, जो एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप पर बेस्ड है। ये एक डुअल सिम 4G स्मार्टफोन है, जिसमें 6 इंच का QHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। स्मार्टफोन में 2 GHz ऑक्टा कोर MediaTek हेलियो X10 चिपसेट के साथ 3GB का रैम मौजूद होगा। ये 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आएगा और माइक्रो SD कार्ड से इसकी मेमोरी 128GB तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें NFC कनेक्टिविटी भी मौजूद है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए मौजूद है 3500 mAh की बैटरी और डिवाइस में फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट।